लेट्स वन सेकेंड स्टार्ट फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या थे? ग्रुप और एन एटम विच हैज द एबिलिटी टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप पहला हमने कौन से किया था? हैलोजन। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। सेकंड फंक्शनल ग्रुप इज हाइड्रोक्सी ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय OH। प्रीफिक्स नाम क्या होगा इसका? हाइड्रोक्सी। और सफिक्स नाम क्या होगा इसका? ओल। फॉर एग्जाम्पल Let's have an example like CH3, CH2 and OH। अब इसका नाम आपको लिखना है, तो फॉर्मूला आपका ये रहेगा, कितने कार्बन एटम इसमें वर्ड बोल्ड के रूप में? 2। तो क्या नाम हो गया? एक सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, तो हो गया A। अब आपने इस OH का नाम दो तरह से लिखा जा सकता है, 1, 2। सफिक्स फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? ओल, क्योंकि सफिक्स फॉर्म में नाम क्या है इसका? ओल। और अगर प्रीफिक्स फॉर्म में लिखना है तो सफिक्स नहीं लिखना है, फिर प्रीफिक्स फॉर्म में लिखना है तो प्रीफिक्स फॉर्म इसका नाम क्या हो गया? हाइड्रोक्सी। लाइक दैट। अब हाइड्रोक्सी वर्ड को यूज करके इसका नाम बनाओगे तो क्या नाम बन जाएगा? इट इज हाइड्रोक्सी एट ए इथेन, हाइड्रोक्सी इथेन। या दूसरा नाम जब आप बना रहे प्रीफिक्स नाम ऑल अगर आप यूज करते तो ये नाम बनता है, तो क्या बन जाता है? एथ एन ओल, दैट मींस इथेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप इज एल्डिहाइड। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप कौन सा हो गया? एल्डिहाइड। इसका फंक्शन ग्रुप क्या है? सी एच ओ। सी एच ओ जब आप एक्सपेंड करोगे तो कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करके और ये जो हाइड्रोजन है ये सिंगल बॉन्ड करके, पीछे का जो डैश है इसका मतलब इसके पीछे कार्बन चेन लगी हुई है, कार्बन और एटम जुड़े हुए हैं इसके साथ। इसका प्रीफिक्स नाम फॉर्माइल है और सफिक्स नाम इसका एल अल। दोनों के बीच में डिफरेंस है, सुनने में एक जैसे लगते हैं, देखने में आपको कई बार हम इनके बीच अंतर नहीं समझ पाते। डिफरेंस इज दिस इज ओ एल एंड दिस इज ए एल। एज एन एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हमने बना दिया सी एच थ्री सी एच ओ। अब देखिए अब इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले लुक एट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम कितने हैं? फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन, 2 कार्बन। यहाँ आपके दिमाग में प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स यू कैन हैव अ प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो कार्बन है इस कार्बन को यू में काउंट और यू में नॉट काउंट, ये प्रॉब्लम होती है कि इस कार्बन को हमें गिनना या नहीं गिनना, क्योंकि ये जो कार्बन है ये कार्बन किस में आ रहा है? फंक्शन ग्रुप में आ रहा है। जबकि आप लोग सोच रहे हो कि कार्बन हम गिनती के अंदर काउंटिंग में उन्हीं को लेते हैं जो चेन में आते हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट अगर कार्बन हमारा फंक्शन ग्रुप का पार्ट है, फंक्शन ग्रुप में कोई कार्बन आ रहा है लाइक दिस, तो दैट कार्बन विल बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ द चेन, उसे आप चेन में ही मानोगे। तो चेन में जब आप मानोगे तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने होंगे? 1 and 2। तो वर्ड रूट क्या बन गया इसका? एथ। सिंगल बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, तो वो बन गया ए। सफिक्स नेम फॉर सी एच ओ, सी एच ओ का सफिक्स नेम क्या है? एल अल। तो क्या नाम बन गया कंप्लीट? इट इज एथ एन अल, दैट मीन्स इथेन। और अगर आप इसका प्रीफिक्स नाम बनाना चाहो मीन्स सी एच ओ प्रीफिक्स फॉर्म में लिखना चाहो तो स्टार्ट तो किसे करना है? अपना वर्ड रूट क्या आपका? एथ प्लस फिर इनमें क्या है? सिंगल बॉन्ड। अब अगर फंक्शन ग्रुप आ गया सी एच ओ, सी एच ओ प्रीफिक्स नाम क्या? फॉर्माइल, तो उसे आप क्या करो? फॉर्माइल। दिस टाइम डू नॉट राइट एयर, क्योंकि या तो आप सफिक्स फॉर्म यूज करो या प्रीफिक्स फॉर्म यूज, रिमूव द प्लस साइन, तो नाम क्या बन जाएगा? फॉर्माइल एथ ए, फॉर्माइल ए। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप लेट्स डिस्कस नेक्स्ट। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड थ्री फंक्शन ग्रुप, तीन फंक्शन ग्रुप के बारे में हमने कर लिए यहां पर, अब हम अगले फंक्शन ग्रुप के बारे में बात करते हैं। एंड द नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप इज कीटोन। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप इज कीटोन और कीटोन विद फॉर्मूला सी ओ। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ डैश दोनों तरफ। इसका मतलब कीटोन के अंदर दोनों तरफ कार्बन लगते हैं, यहाँ कार्बन की कोई चेन हो सकती है, यहाँ भी कोई कार्बन की चेन हो सकती है। अब प्रीफिक्स नाम क्या होता है इसका? कीटो या ऑक्सो। आउट ऑफ द टू मीन्स इसके प्रीफिक्स नाम तो दो है, या तो कीटो बोलो या इसको ऑक्सो बोलो, दोनों में से एक ही बोलना है, दोनों नहीं बोलने, कीटो और ऑक्सो। सफिक्स नेम इसका होता है ओ एन ई ओन, वन है स्पेलिंग इसकी वन की है लेकिन हम इसको ओन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं,
like CH3, C double bond O, CH3, ये हो गए कीटोन। जो कीटोन है बेटा, कीटोन की पहचान आपको ये मिलेगी कि कीटोन हमेशा कार्बनों के बीच में आता है, और एल्डिहाइड जो इससे पहले वाला फंक्शन वो या तो लास्ट में होगा या शुरू होगा, बीच में कभी नहीं होगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्यूरेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब आप इसका नेम करो तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, इस बार फंक्शन ग्रुप के अंदर कार्बन है या कार्बन हमारा फंक्शन ग्रुप से बना हुआ है, सो यू हैव टू टेक दिस कार्बन। तो नंबर 1 ये हो गया, 2 और ये हो गया 3, सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 3। तो क्या बन जाएगा, प्रो सिंगल बॉन्ड इनके बीच में, तो ए। अब देखो इसका सफिक्स नाम क्या है, इसका कीटोन का 4, तो क्या लिखो यहां 4, तो टोटल नाम क्या बन जाएगा, प्रो एन ऑन, यानी कि प्रोपेनॉन। ये तो हो गया इसका सफिक्स फॉर्म में नाम, और अगर प्रीफिक्स फॉर्म में नाम लिखना हो तो इसका प्रीफिक्स नेम क्या, कीटो या ओजो, उसको हम ओजो लिख देते, ये बन गया ओजो प्लस वर्ड रूट क्या बनेगा इस बार इसका, प्रो, बिकॉज़ थ्री कार्बन एटम्स आर इन द चेन, तो बन गया प्रो प्लस ए, तो ये क्या नाम है कंप्लीट, ओजो प्रो ए, ओजो प्रोपेन, और ओजो के लिए क्या लगा सकते हो, कीटो, तो क्या नाम बन जाएगा, कीटो प्रोपेन, प्रोपेन, कीटो प्रोपेन। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये, व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं वो देखिए, अब आप यहां पर C डबल बॉन्ड O O H, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, ये बन जाते हैं सी ओ ओ एच एसिड, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका एक्सपेंड, क्योंकि बताया था कार्बन साथ ऑक्सीजन हो तो वो डबल बॉन्ड करके निकालो, उसके बाद जब आप इसको एक्सपेंड करो तो ऑक्सीजन की टू वैलेंसीज होती है, तो एक वैलेंसी पीछे कार्बन से जुड़ी, एक वैलेंसी आगे वाले हाइड्रोजन से जुड़ी, और हाइड्रोजन की एक वैलेंसी होती है तो वो पीछे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसका प्रीफिक्स नाम होता है कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, और इसका सफिक्स नाम क्या होगा, ओइक एसिड, ओइक एसिड। लेट्स हैव एन एग्जांपल। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड और जो एल्डिहाइड की पहचान ही होती है, या तो शुरू में होंगे या लास्ट में, ये दोनों फंक्शन तो बीच में नहीं आते, जैसे फॉर एग्जांपल CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, O और ये H, इसे अब आप कैसे लिख सकते हैं, कि आल्सो रिटन है CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, H। अब इसका नाम आप बनाओगे, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर जॉइंड, 1, 2, 3, ये फंक्शन ग्रुप का कार्बन काउंट करना है, तो ये बन गया 3, तो 3 का नाम बन गया प्रो, सिंगल बॉन्ड है इनमें तो बन गया ए, इसका सफिक्स नाम क्या फंक्शन ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स नाम क्या, ओइक एसिड, तो क्या लिखोगे, ओइक एसिड। अब आप इनके प्लस को हटा दो, कंप्लीट नेम बिकम्स प्रो एन ई हटा दो और ये बन जाएगा ओइक एसिड, मतलब क्या नाम हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। अब आप देखो इसका जो सेकंड नेम बनेगा प्रीफिक्स के फॉर्म में, तो वर्ड रूट क्या बेटा इसका, तीन कार्बन जो बन गया प्रो प्लस सिंगल बॉन्ड एन, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद अब हमने यूज किया प्रीफिक्स, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स का, और वो क्या है कार्बोक्सी, तो यहां क्या आ जाएगा कार्बोक्सी, तो कंप्लीट नेम क्या बन जाएगा, इट इज कार्बोक्सी प्रो ए, कार्बोक्सी प्रोपेन, दिस विल बी इट्स नेम, ये हो जाएगा। नाउ लेट्स, तो ये हो गई बात हुई हमारी फंक्शन ग्रुप्स को लेकर, देन नाउ वी हैव डिस्कस्ड फाइव फंक्शन ग्रुप्स, उनके प्रीफिक्स नाम क्या होंगे, सफिक्स नाम क्या होंगे, उनके कार्बन को कब काउंट करना है, कब नहीं करना है, ये बातें हमने यहां सीख ली हैं। अब हम बात करते हैं प्रीफिक्स को लेकर, प्रीफिक्स के बारे में बात करते हैं, फंक्शन ग्रुप के जो नाम थे उसमें आपको प्रीफिक्सेस के नाम बता दिए, किसी फंक्शन ग्रुप का प्रीफिक्स नाम क्या होगा। अब पॉइंट ये है कि अगर आपको सफिक्स भी लिखने हो और प्रीफिक्स भी लिखने हो तो हाउ विल यू राइट दैट, उनको हम कैसे लिखेंगे, तो वो देखिए अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, सी एच थ्री सी एच टू, नाउ सपोज ये इसका कार्बन है और इस कार्बन के ऊपर एक फंक्शन ग्रुप लग रहा है क्लोरीन, और ये कार्बन है इसके ऊपर फंक्शन ग्रुप लग रहा है सी डबल ओ एच, और ये जो इसकी वैलेंस है बची 1, 2, 3, यहाँ हमने लगा दिया हाइड्रोजन। अब देखो इस एग्जाम्पल के अंदर देयर आर टू फंक्शन ग्रुप्स, दो फंक्शन ग्रुप, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दो ही फंक्शन ग्रुप है, ऐसे भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें तीन फंक्शन ग्रुप हो या उससे भी ज्यादा फंक्शन ग्रुप। अब ऐसे फंक्शन ग्रुप के अंदर प्रॉब्लम आती है कि जो इतने सारे फंक्शन ग्रुप हमने लिखे हैं
किसका नाम हम सफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे या किसका नाम हम प्रीफिक्स के फॉर्म। ऐसा कभी नहीं होगा कि हर किसी के नाम को आप सफिक्स के फॉर्म में लिख दो। हाँ ये हो सकता है सबके नाम को प्रीफिक्स फॉर्म में लिख दो, लेकिन अकॉर्डिंग टू जितने फंक्शन ग्रुप इसमें आ रहे होंगे उनमें से एक का नाम सफिक्स के फॉर्म में, सेकंड सफिक्स के फॉर्म में कंपलसरी होता है, लिखना होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स। बाकी जो फंक्शन ग्रुप बच जाएंगे उनको आपने प्रीफिक्स फॉर्म में लिखना। अब क्वेश्चन अगर हम बात करें कि विच एलिमेंट विल बी रिटन एज, विच फंक्शन ग्रुप विल बी रिटन एज सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप किसको लिखो, तो उसकी एक सीक्वेंस बनाए जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी, प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ग्रुप। मतलब इन फंक्शन ग्रुप अगर आपको ज्यादा फंक्शन ग्रुप आते हैं उनमें से अगर कोई नाम पहले आ रहा है उनमें वो अगर आ गया तो वो मेन हो जाएगा, जैसे सी डबल ओ एच, उसके बाद में सेकंड फंक्शन ग्रुप मिलेगा सी एच ओ, उसके बाद फंक्शन ग्रुप मिलेगा आपको सी ओ, उसके बाद फंक्शन ग्रुप मिलेगा आपको उसमें ओ एच, उसके बाद मिलेगा आपको एच। यानी कि मान लिया जैसे ये दो फंक्शन ग्रुप है किसी कंपाउंड के अंदर, जैसा हमारा बोर्ड पे एग्जाम्पल उसमें ये दो फंक्शन ग्रुप है, तो इन दोनों में से जो पहले आ रहा है, इन दोनों जो पहले आ रहा है सीरीज में वो मेन होगा, उसको आप सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लिखोगे, बाकी जो बच गए वो सब आपके प्रीफिक्स फॉर्म में आ जाएंगे। अब इस तरीके से इसका नाम लिखे तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 1 2 3 4, चार कार्बन, तो नाम क्या हो जाएगा सबसे पहले वर्ड रूट, तो वर्ड रूट क्या है ड्यू, तो ये हो गया ड्यू, प्लस बॉन्ड कैसे इनमें सब में सिंगल ए। अब बात आ गई इसको लेके सेकेंडरी सफिक्स को, तो अब आपने सीक्वेंस पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है, अब आपने इसको लिखना है, तो इसका जो नाम है वो क्या हो गया सेकेंडरी सफिक्स नाम, कौन है यहाँ पर दो फंक्शन ग्रुप, दो में से मेन कौन है वो हमें सीधी से पता, किसका नाम पहले आ रहा है सी डबल ओ एच, तो ये मेन फंक्शन ग्रुप, तो ये जो मेन फंक्शन ग्रुप इसका क्या नाम है सफिक्स फॉर्म में OHC, तो जो मेन फंक्शन ग्रुप होगा यहाँ पर, मेन फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसका नाम यहाँ आपको सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में लिखना है। अब जो भी फंक्शन ग्रुप बच गए हैं उन सबको आपने पहले लिखना है अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेट सीक्वेंस, जिसके नाम का अल्फाबेट पहले आता है वो पहले लिखोगे, बाद में आता है उसके बाद, फिर आता है उसके बाद, फिर ये नाम आ जाएगा। तो क्या बच गया क्लोरो, तो वो कहाँ आ जाएगा आपके यहाँ पर। सो इन दिस वे इस प्रकार से अगर हम इसका नाम लिखे तो क्या नाम बनेगा, विल बी क्लोरो, छोड़ दो इनको ब्यूट प्लस हटा दो एन, ये हटा दो ओइक लगा दो आगे ओइक एसिड, सो द कंप्लीट नेम बिकम्स क्या नाम बन गया क्लोरो ब्यूटेनोइक। Let's have another example. एक और example लेते हैं. For example, now 1 2 3 4 5 6 ये ले लेंगे. और इसमें हमने एक function group लगा दिया, ये लगा दिया. और दूसरा function group लगा दिया हमने इसके अंदर, ये लगा दिया. और तीसरा function group लगा दिया हमने इसके अंदर, ये कर दिया. और मान लो एक और function group लगा देते हैं, वो मान लो हमने कर दिया. अब इसमें जो कार्बन बचे हुए हैं उन सब कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन लगा कंप्लीट करो, इस कार्बन की एक वैलेंसी आगे एक बॉन्ड आगे तो बच गए तीन बॉन्ड, पीछे हो गए 1 2 3, एक बच गया इसका 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा इसके अंदर, 1 2 3 4 कुछ नहीं आएगा, यहाँ 1 2 बॉन्ड्स, तो यहाँ पर 1 2 3 4, अब ये कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव टू नेम, अब आप लोगों ने इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 6, तो वर्ड रूट क्या बन जाएगा इट इज एक्स, ये हो गया। प्लस अब इनमें भी देखो बॉन्ड कैसे, कार्बन कार्बन में, कार्बन ऑक्सीजन का नहीं देखना, कार्बन ऑक्सीजन का नहीं देखना, कार्बन फ्लोरीन का नहीं देखना, कार्बन OH का नहीं देखना, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है सिंगल है, तो क्या होगा इट इज ए। प्लस ये दो हो गया, अब तीसरा नाम किस आएगा सेकेंडरी सफिक्स, वो किसका होता है मेन फंक्शन ग्रुप का, मेन फंक्शन ग्रुप का, तो यहाँ क्या होगा मेन फंक्शन ग्रुप, यहाँ पर कितने फंक्शन ग्रुप्स हैं एग्जांपल 4 फंक्शन ग्रुप्स आ गए, उन 4 में से बीच इसमें इन चारों में से जिसका नाम इस सीक्वेंस में पहले आ रहा है वो मेन होगा, तो चार कौन से हैं एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, फ्लोरीन है मतलब हैलोजन है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसमें देखो पहले एसिड है एसिड नहीं, फिर इसमें कौन सा है सी एच ओ एल्डिहाइड है एल्डिहाइड इज देयर एल्डिहाइड, तो यानी कि ये मेन फंक्शन ग्रुप हो गया, तो इसका नाम तो आएगा यहाँ मेन फंक्शन ग्रुप, तो मेन फंक्शन ग्रुप क्या है यहाँ पर एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का सफिक्स फॉर्म क्या बताया था एल्कल। अब क्या हुआ 1
टू थ्री, ये तीन फंक्शन ग्रुप बच गए। इन तीन फंक्शन ग्रुप को अब आप प्रीफिक्स के फॉर्म में पहले लिखोगे, और लिखो कैसे, इनके टेबल के अंदर देखो इनके प्रीफिक्स नाम क्या है, और प्रीफिक्स नाम में किसके नाम की शुरुआत पहले अल्फाबेट से होती है। इसका नाम तो क्या था कीटो, इसका नाम क्या फ्लोरो, इसका नाम क्या हाइड्रोक्सी, तो कौन सा अल्फाबेट पहले आएगा फ्लोरो, तो आप क्या करोगे इसके अंदर पहले लिखोगे फ्लोरो, क्योंकि पहला अल्फाबेट कैपिटल। उसके बाद अब किसका नाम आ रहा है, ये हाइड्रोक्सी, ये है, अब आएगा की कीटो, तो ये बन गया कीटो, और इसके बाद आएगा हाइड्रोक्सी, ये हो गया। अब आप इनके प्लस को हटा के जोड़ के लिखो, तो कंप्लीट नेम क्या आ जाएगा, इट विल बी फ्लोरो प्लस हटा दो कीटो, फिर प्लस हटा दो हाइड्रोक्सी, जॉइन द नेम जोड़ के लिख दे, उसके बाद में हेक्स, उसके बाद में एन, और उसके बाद में अल, ई हटा दो जॉइन कर दो, ये बन गया, तो इसका नाम बन गया फ्लोरो कीटो हाइड्रोक्सी हेक्सेन। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नाउ यू कैन मेक सच एज मैनी एज एग्जाम्पल्स, यू कैन एटलीस्ट अ मिनिमम 20 एग्जाम्पल्स। एक फंक्शन ग्रुप लगाओ, फिर दो फंक्शन ग्रुप लगाओ, फिर ज्यादा फंक्शन ग्रुप लगाओ, इस तरह से यू हैव टू मेक 20 एग्जाम्पल्स।